मेरा नाम तपेश्वर यादव, मैं दरभंगा जिला का रहने वाला, मेरा ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया। घर वालों ने हमको उठा के पटना ले गया, पटना 6 रोज रहे, फिर दिल्ली ले गया। दिल्ली में मेरा ऑपरेशन हुआ, तो वहाँ से हमको घर पे ले आया। घर पे हम 2014 से 2020 तक घर पे लेटे रहे, यानी 6 साल। हमको बेड शू पूरे शरीर में एक लेखे हो गया, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो गया। एक छोराते थे 2 हो जाता था, 2 छोराते थे 4 हो जाता था। बेड शू से तंग, तो बैठ तो बिल्कुल नहीं पाते थे। सोए सोए खाना खाते थे, पानी पीते थे, मोशन करते थे। कपड़ा तो पहनना दूर की बात है, ऊपर से एक चादर ओढ़ा देता था। ऐसे जिंदगी और मौत के बीच चार साल पाँच साल पुरते पुरते 6 साल गुजर गया। जब 6 साल गुजर गया घर पे, तो घर पे मेरा पूरा पांव बैंड हो गया था, हम करवट भी नहीं ले पाते थे, मेरा चेहरा पूरा खराब हो गया था, और 3 बच्चे हम कमा के भी नहीं खाते थे। बीवी मेरा काम काज करके खिलाती थी और बहुत रोती थी कि अब ये नहीं बचेंगे। तो पता चला कि चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब बहुत अच्छा है, तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम ठीक हो जाओगे। जब हम यहाँ आए चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में, हम इन किए तो यहाँ देखे कि भाई सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, मेरा इलाज कैसे होगा, मुझे घर पे वापस जाना होगा, क्योंकि पैसा लेके तो हम आए नहीं हैं। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो मेरा हालात ऐसा देखा, देख करके ही यहाँ सब कोई तन मन से मेहनत करने लगे। मेरा तो बेड शू ठीक करने में नर्स लोग इतना मेहनत किए कि 1 महीना के अंदर अंदर मेरा 5 साल का बेड शू ठीक कर दिए। उसके बाद रिहैब स्टार्ट हुआ तो सर लोग बहुत अच्छे से मेरा रिहैब किए। 3 महीना 4 महीना में मैं व्हील चेयर पर आ गया, टहलने लगे, बैठने लगे, कपड़ा पहनने लगे, स्नान करने लगे, यानी सारा कुछ करने लगे। सारा कुछ करने के बाद अभी जो हम कपड़ा नहीं पहनते थे वो अभी जूता पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, शॉर्ट पहनते हैं। मेरा 3 बच्चा है, जो हम 5 साल कमा के नहीं खाए वो अब हम कमाने लायक हो गए। जो आज मेरा बीवी बहुत खुश है, और लॉकडाउन वजह से आते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं गए। यहाँ लॉकडाउन खुलेगा तो हम अब घर जा सकते हैं, अब हम अच्छा जीवन बिता सकते हैं। चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब से यहाँ हमको बहुत अच्छा ज़िंदगी मिला है, जो मेरा पत्नी और हम बहुत खुश हैं कि अब हम अपने बच्चे और बीवी के लिए घर जाके कुछ बिजनेस कर सकते हैं और कमा के खा सकते हैं। आज मेरा ज़िंदगी मिला तो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब से। व्हील चेयर भेट गया। व्हील चेयर भेटने के बाद मतलब ये अपने से कपड़ा लत्ता जाने का मन करता, अब इतना अच्छा हो गया कि घर जाएंगे, कपड़ा अति अच्छा अच्छा कपड़ा लत्ता। हम बच्चे घर पर कहते हैं कि हमरा बाजे तो कहीं घर पर था तो उजर का धोती इसको देह पर धर के बस छोड़ देते थे। अब कोई भी आते थे तो वो हे भगवान मौत दो दो, हे भगवान चोला उठा दो। तखनी में तो बहुत कुपति हो जाए थे, बच्चा सब के पढ़नाई लिखनाई सब बंद करा दिए, पैसा का तो कौड़ी के तकलीफ से बकरी छकरी बाल बच्चा के दे दिए, चरो उरो तो वो इससे गुजारा मतलब करेगा, एगो माल उल रखता है वही सबसे गुजारा करता है, केना जेना तेना किए। अब बाद में आकर मतलब यहाँ आया तो हर चीज़ के कपड़ा जो नहीं एगो पहनने थे तो अब कपड़ा पहनने लगा। लॉकडाउन खुलने के बाद हम अब घर जा सकते हैं, आ जाएगा दोनों प्राणी था मतलब बाल बच्चा लग खुद 6 साल तो हम इसको कमा के खिलाया बाल बच्चों के, लेकिन अभी यहाँ से ठीक होकर जाएगा तो अभी दोनों प्राणी बाल बच्चा ले सोचने पड़ेगा। अब यहाँ से जाएंगे तो खुशी खुशी, अब हम बहुत खुशी है कि मतलब बहुत अच्छा समान लगता है, बहुत हम अभी हम भी अच्छा लगता है, आप अच्छा बहुत अच्छा लगता है दोनों गोटा।